पता टिंडर क्या है? टिंडर जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ आपको. जितने भी ब्रेकअप शुदा लोग, तलाक शुदा लोग, गुमशुदा लोग, ये जितने भी नर मादा है ना, इनकी प्रजाति वहीं पाई जाती है. अगर आप किसी कपल से पूछो जो रिलेशनशिप में है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? टिंडर. द बेस्ट पार्ट इज, देखो देखो फायदा हुआ भी. देखो जो शादी .com पे हमें पढ़ रहा था 1000 रुपये महीना, टिंडर में 188 में अनलिमिटेड बुफे. जब वही जहाँ कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों वो ना ले. अब जिनको पता नहीं टिंडर पे क्या होता है, कि टिंडर पे ना रेडियस होता है कि आप कितने किलोमीटर एक लड़की के लिए भाग सकते हो. तो मेरे पापा ने 5 किलोमीटर किया. कह रहे क्या पता बगल में बच्चों और शहर में डिंडोरा. तो क्या हुआ, एक मैच आया तो उस लड़की ने क्या कर रखा था, ऐसा था ना लहंगा, ऐसे लहंगा करके फोटो और गॉगल नीचे करके ऐसे फोटो ऐसे. तो पापा ने उसकी फोटो देखी और उसको मैसेज किया, क्या तुम सामने वाले किशोर गुप्ता जी की लड़की हो? 30 सेकंड में उसका प्रोफाइल डिलीट. वो लहंगा छाल के भाग गई. तो पापा ने ना फिर अभी रेडियस बढ़ाया. तो अभी क्या हुआ, उस पर ना लड़कियां भी कम नहीं है भाई साहब, वो पूछते क्वेश्चंस. एक लड़की ने सीधा पूछ लिया कि हु इज योर फेवरेट सिंगर. अब पापा ये बोल गए कि ये मेरे बारे में बात हो रही है. वो अपने में हो गया. उन्होंने बोल दिया नरेंद्र चंचल एंड समटाइम अनुराधा पौड़वाल भी. कह रहे भाई ये ओल्ड स्कूल है, ये बंदा नहीं चलने वाला. एक लड़की ने ऐसे पूछ लिया, कह रहे डू यू ड्रिंक? पापा ने कहा डेली. उसने कहा विच इज योर फेवरेट ड्रिंक? पापा ने एलोवेरा जूस, समटाइम्स आंवला भी. कह रहे भाई ये हेल्थ फ्रीक है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं. द ट्रिकीएस्ट वन वॉज, एक लड़की ने पूछा वॉट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, माउंटेन टाइप और बीच टाइप? पापा ने लिखा बोथ. उसने बोला हाउ? पापा देखो 4 साल से हम जा रहे हैं वैष्णो देवी. वो हो गया माउंटेन टाइप. और 4 साल से ना हमारे रिलेटिव मर भी रहे हैं, हम बहाने जा रहे हैं हर की पौड़ी. तो हो गया बीच. भाई साहब फिर एक दिन पापा सुबह 6 बजे किसी चैट कर रहे थे चैट. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे टीचर है लड़की. तो उसने लिख रखा था डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 500 वर्ड्स. मैंने कहा पापा आप ही भरो इसको. नॉट माई कप ऑफ टी. तो अभी ना पापा ना इतना रिजेक्ट हो चुके ना उस पर, इतना रिजेक्ट हो चुके तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको क्लेवर होना होता है. तो अब वो पापा क्लेवर हो चुके हैं. तो अभी क्या हुआ, एक लड़की ना प्रोफाइल थी, देखा था मैंने, वो कैरियो के नाइट पे ना एक लड़की ने ऐसे फोटो खिंचा रखी थी कैरियो के नाइट पे ऐसे. यू नो कैरियो के नाइट, बेसरों का इंडियन आइडल. मतलब अगर तुम दारू पी रहे हो तो हमारे कैरियो के नाइट चल रही है, तुम्हें दारू नहीं चढ़ेगी. ये सुर से ना इतना दूर है जैसे नोएडा से हम दिल्ली. तो भाई साहब मानोगे नहीं. तो अभी उस लड़की ने ऐसे बोला, उसने पूछ लिया कि वाई आर यू हेयर? पापा ने लिखा आई एम लुकिंग फॉर अ लीड सिंगर फॉर आवर फैमिली आरती. लड़की ने बोला ठीक है. देन एक लड़की ने बड़े तरीके से पूछा हाउ मेनी पीपल यू हैव स्लेप्ट विद? पापा ने बोला 3, बीवी और 2 बच्चे. पर अभी ना उस पर कुछ हुआ नहीं, फाइनली वी जस्ट मूव्ड ऑन. तो तुम्हें पता वो होता है ना बिचौलिया रिश्ते, रिश्ते पंडित, यू नो वो होता है ना बिचौलिया जो रिश्ते कराते हैं. तो बंदा आया कह रहा चौहान साहब 2 महीने में आपके बच्चों के हाथ पीले. मैं कहा देख जॉन्डिस नहीं कराना है. कह रहा क्या बात कर रहा भाई. वो इतना आइटम था ना बंदा, मुझे वो हर शनिवार हल्दीराम बुलाता था 12 से 5. मैं 16 शनिवार हल्दीराम में बैठा हूँ 12 से 5. मतलब हल्दीराम में लाइक माय फैमिली नाउ. अगर कल के दिन मेरी शादी फिक्स हो ना तो 50 कार्ड मेरे हल्दीराम में जाएंगे, हल्दीराम के डब्बे के साथ. मतलब ऐसा हो गया कि हल्दीराम के बाहर ना 12 बजे मेरी पार्किंग फिक्स होती है. कह रहा भाई चौहान साहब का लड़का है, इसकी पार्किंग है ये. आप उधर ना अंदर जाते हो, पहले पैसे देते हो, टोकन लेते हो, फिर खाना लेते हो, मेरे लिए नहीं है. वो कहते भाई साहब यू कॉन्सेंट्रेट, भाभी चाहिए मैं भाभी. मतलब जो बाहर दरबार खड़ा होता है दरबान, वो मुझे अपने चाचा वाली फीलिंग देता है. मैं लास्ट शनिवार गया तो ऐसे मैं बाहर अंदर घुस रहा था तो कह रहा एक सेकंड रुको. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा शी इज नॉट योर टाइप. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा अंदर भटूरे फोड़ के स्पा ले रही है मुंह पे वो. मैं कहा थैंक यू चाचा बचा लिया, वरना मैं भटूरे फोड़ता पूरी जिंदगी.
द बेस्ट पार्ट इज पता है तुम्हारे को, ये जो बिचौली होते हैं ना, ये लोग ना हमेशा एक नया फ्रेज के साथ आते हैं तुम्हारे साथ. जैसे मुझे एक लड़की से मिलवाया, कह रहा राधा कृष्ण जी राधा कृष्ण. फिर नेक्स्ट टाइम मिलवाया, कह रहा राम सीता जी राम सीता. बाय गॉड इतनी बार राम बोला, मैं राम के चलने भी लगा था ऐसे. एक बंदा टकराया, कह रहा सॉरी मैं का तथास्तु. लास्ट टाइम तो हदी हो गई, ऐसे कर ही रहा था ऐसे. मैंने कहा हाँ ये शेराली माता और मैं शेर हैं. तू ये लड़के दिखाने आ रहा है, अपने भगवानों के दर्शन पूरे करने आ रहा है यहाँ पे यार. तो फाइनली ना वहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं. तो एक दिन हम लोग घर पे बैठे हुए थे, तो पापा रे पापा मम्मी से बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला देखो तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे. मैं कहा देखो जब पसंद थी ना तब आप अमिताभ बच्चन उनके बोल रहे थे नो मीन्स नो. अब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब उसे खुद के प्लॉट निकल आए हैं. तो मेरी बहन को बुला लिया, कह रहा देख इसकी शादी तो होने से रही, ये तो पगला है, तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे. और वैसे भी तुझे ना नई नई गाड़ियों में रोज नए नए लड़के छोड़ने आते हैं. एंड माई सिस्टर और पापा वो ओला ड्राइवर है. मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है.